नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज तारीख है 12 अप्रैल 2020। और दोस्तों आज के दिन में जो करंट अफेयर्स हैं, चलिए उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को अभी तक, तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की। लेकिन दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, एक नज़र डालते हैं बुलेटिन न्यूज़ के ऊपर जो कि PIB की तरफ से है और डेली COVID-19 के ऊपर दोस्तों ये बुलेटिन न्यूज़ है। दोस्तों देखिए, कुल मिला के 6634 एक्टिव केसेस हो चुके हैं भारत में COVID-19 के, और जिनमें से दोस्तों 652 लोगों को क्योर कर लिया गया और सही तरीके से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और दोस्तों अब तक इनमें से कुल मिला के 242 लोगों की मृत्यु हो चुकी है COVID-19 की वजह से। और दोस्तों एक नज़र डाल देते हैं न्यूज़ की तरफ भी। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुल मिला के कल से लेकर आज तक में 1035 COVID-19 कन्फर्म केसेस में बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों जिनमें कुल मिला के 242 तक जो मृत्यु का नंबर है वो बढ़ चुका है। और दोस्तों गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि कोई भी राज्य को, कोई भी स्टेट को किसी भी तरीके का क्रिटिकल आइटम्स के सप्लाई में शॉर्टेज नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो भी सप्लाईज की ज़रूरत है, जैसे कि PPE किट्स की या मतलब टेस्टिंग किट्स की या किसी भी तरीके की चीज़ की अगर ज़रूरत है किसी भी राज्य को, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि किसी भी राज्य को किसी भी तरीके के सप्लाईज़ में कमी नहीं हो। और दोस्तों कल के दिन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सारे राज्यों के CM के साथ में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने स्ट्रेटेजाइज करने के लिए कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसको किस तरीके से कम किया जा सके, इसके ऊपर दोस्तों उन्होंने अपना मतलब अहम एक मीटिंग किया था सभी राज्यों के साथ में। और दोस्तों इसके तहत जो निकल के आया वो ये है कि सभी राज्य जो होंगे वो अतिरिक्त और भी दो सप्ताह के लिए सभी राज्य जो होंगे उसको लॉकडाउन किया जाएगा और भी। और दोस्तों सभी राज्यों ने इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है, लेकिन कुछ राज्य अभी भी हैं जो इसका नोटिफिकेशन देना बाकी है। तो जल्द से जल्द ये सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों सभी राज्य जो होने वाले हैं वो और भी 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन होने वाले हैं। यानी कि 30 अप्रैल तक सभी राज्य जो होंगे सब लॉकडाउन होंगे, और कुछ राज्यों में कुछ हॉटस्पॉट एरियाज़ को सील भी कर दिया गया। इसके बारे में हम आगे आने वाले हमारे न्यूज़ सेक्शन में जानेंगे। और दोस्तों MHA ने यानी कि गृह मंत्रालय ने मछली पकड़ने और मत्स्य पालन उद्योगों के कर्मचारियों को छूट दी है कि वे अपना काम जारी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, तो इसका मतलब जो भी काम होगा वो जारी रख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी। लेकिन हाँ, उसके दौरान दोस्तों उनको कुछ गाइडलाइंस को मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग तब भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। और दोस्तों कठिनाइयों के बावजूद भी गर्मियों की फसलों की बुवाई का काम संतोषजनक तरीके से चल रहा है। दोस्तों इसको भी एक तरीके से थोड़ा सा छूट दिया गया है कि जो भी बुवाई है, फसलों की बुवाई है गर्मियों की, उनको जारी रखा जा सकता है, लेकिन हाँ सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ भी मेंटेन करना ज़रूरी अनिवार्य है। और दोस्तों एक एक्स ग्रेशिया यानी कि अनुग्रह राशि की मंजूरी दी गई है FCI के कर्मचारियों के लिए, और खाद्यान्नों में काम करने वाले जितने भी लोग लगे हुए हैं उनको एक FCI की तरफ से एक अनुग्रह राशि की मंजूरी दी गई है। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जान लेते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ने एक्स ग्रेशिया राशि की मंजूरी दी है जो कि एक अनुग्रह राशि है। दोस्तों FCI में जो भी काम कर रहे 1 लाख से ज़्यादा मजदूर या कर्मचारी हैं उनकी दोस्तों यदि किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है कोरोना वायरस की वजह से, तो दोस्तों उनको एक अनुग्रह राशि दी जाएगी, उसको कंपेंसेट किया जाएगा पूरी तरीके से FCI की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो लिस्ट है, अगर किसी भी लेबर का मृत्यु हो जाता है किसी भी कारणवश कोरोना वायरस की वजह से, तो 15 लाख का दोस्तों राशि उसको दी जाएगी। किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को यानी कि संविदा श्रमिक को 10 लाख की राशि दी जाएगी, और कैटेगरी 1 ऑफिसर्स को 35 लाख की राशि, कैटेगरी 2 के ऑफिसर्स को 30 लाख की राशि, और कैटेगरी 3 और 4 के वर्कर्स को 25 लाख की राशि दी जाएगी। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे 6 महीने का एक ड्यूरेशन रखा गया है, यानी कि 24 मार्च से लेकर 23 सितंबर के बीच में यदि किसी भी कारणवश कोई भी कर्मचारी या श्रमिक की मृत्यु हो जाती है इस समय में कोरोना वायरस की वजह से या उसके इन्फेक्शन की वजह से, तो दोस्तों ये राशि उसके परिवार को दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस कन्फर्म हुआ है एक टाइगर में, न्यूयॉर्क के एक जू में। उस टाइगर का नाम है नाडिया, और दोस्तों ब्रॉन्क्स जू न्यूयॉर्क, इसमें दोस्तों ये कोरोना वायरस का जो टेस्ट है पॉजिटिव पाया गया है। और दोस्तों ये पहला मामला है जिसमें ह्यूमन से यानी कि मनुष्य से एनिमल तक कोई भी ट्रांसमिशन हुआ है कोरोना वायरस का। तो दोस्तों ये जो ट्रांसमिशन था ये एक्चुअल में जो उस टाइगर का केयर टेकर था उससे दोस्तों वो टाइगर तक पहुंचा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों आईसीएमआर ने अप्रूवल दे दिया है टीबी मशीन्स को यूज़ करने के लिए कोरोना वायरस का टेस्टिंग करने के लिए। दोस्तों आईसीएमआर ने ट्रू नैट मशीन जो है इसको यूज़ किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी रोग का जांच करने के लिए। लेकिन दोस्तों आईसीएमआर ने अभी हाल में फिलहाल में इसका अप्रूवल दे दिया है कि इन मशीनों का यूज़ किया जा सकता है कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए। और दोस्तों ये मशीन में थ्रोट और नेजल स्वैब का सैंपल्स लिया जाता है और इसमें कुल मिला के 30 मिनट का समय लगता है, 30 मिनट से लेके 1 घंटे का समय लगता है इस टेस्ट का रिजल्ट आने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चाइना ने अपना 76 डे का वुहान लॉकडाउन को बंद कर दिया है, हटा दिया है वहाँ पे। 8 अप्रैल 2020 को दोस्तों चाइना ने ये लॉकडाउन को हटाया है। दोस्तों लॉकडाउन के लिए दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेजर था एक्चुअली वुहान के लिए, कोरोना वायरस संक्रमण को हटाने के लिए दोस्तों। तो कुल मिला के 76 दिनों के लिए वुहान जो था वो लॉकडाउन के अंडर में था। और दोस्तों वुहान मैं आपको बताना चाहूँगा वो पहला सिटी था, पहला सेंटर था, एपी सेंटर था कोविड-19 का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे न्यूज़ में है कि यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको लॉकडाउन किया जाएगा और सील कर दिया जाएगा कंप्लीट तौर से। दोस्तों 15 ऐसे ज़िले हैं जिनको कम्प्लीटली सील किया जाएगा। आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, मेरठ, बरेली, कानपुर, सहारनपुर, फिरोज़ाबाद, बस्ती, बुलंदशहर, महाराजगंज, शामली और सीतापुर। दोस्तों इन ज़िलों को कम्प्लीटली सील किया जाएगा। और दोस्तों ये 9 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है इन सभी एरिया के ऊपर में। तो दोस्तों यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं क्योंकि दोस्तों इनको सबसे हॉटस्पॉट एरियाज में माना जा रहा है। और दोस्तों यहां पे देखिए कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का दोस्तों अप्रूवल दे दिया है आईसीएमआर ने। आईसीएमआर ने एक ट्रायल के लिए, परीक्षण के लिए अप्रूवल दिया है कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण किया जा सकता है कुछ पेशेंट्स के ऊपर। दोस्तों ये थेरेपी जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाएगा उन पेशेंट्स पर जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली इल हैं, जो बहुत ही ज्यादा बीमार हैं कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से। और दोस्तों देखिए कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है कि एक ब्लड सैंपल लिया जाता है उन पेशेंट से जो ठीक हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से, यानी कि जो भी लोग ठीक हो गए, जो भी इस बीमारी के अंतर्गत थे लेकिन अभी वो ठीक हो चुके हैं पूरी तरीके से, तो उनके अंदर से एक ब्लड प्लाज्मा का सैंपल लिया जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है उन पेशेंट्स के अंदर जो अभी भी संक्रमित हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये ऐसे सेल्स को बिल्डअप करता है उन पेशेंट्स के अंदर जो अभी भी संक्रमित हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उनको एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्यूनिटी सेल्स के बिल्डअप होती है और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होता है ऐसे पेशेंट्स में। तो दोस्तों अभी तक इसका ट्रायल चालू है और आईसीएमआर ने इसका कम्प्लीटली अप्रूवल दे दिया है कि कुछ ट्रायल शुरू किए जा सकते हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं। और भी दोस्तों कुछ राज्यों में यानी कि कुछ देशों में भी इसका ट्रायल शुरू किया गया है। तो दोस्तों अभी भी इसका कम्प्लीटली इसका रिपोर्ट कोई नहीं दिया गया है कि मतलब कोवैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या पूरी तरीके से इफेक्टिव है कि नहीं है, लेकिन इसका ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने अश्योर किया है इंडिया को कि $2 बिलियन वो उसको देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा $2 बिलियन का कोविड-19 के लिए। और दोस्तों लास्ट वीक में वर्ल्ड बैंक ने भी $1 बिलियन का असिस्टेंस यानी कि $1 बिलियन की सहायता को अप्रूव किया था इंडिया के लिए, जिसके दोस्तों कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसको रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक सपोर्ट दिया है। और दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुल मिला के 15,000 करोड़ के पैकेज का एक घोषणा की है कि सारे राज्यों को, जो भी कोरोना वायरस के संक्रमित राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, सभी को हेल्प दिया जाएगा 15,000 करोड़ के पैकेज के अंतर्गत। तो दोस्तों कोई भी राज्य हो, किसी तरीके की कमी नहीं हो, इसीलिए दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि किसी भी राज्य हो, किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरीके की फाइनेंशियल कमी या सप्लाईज में कमी नहीं होनी चाहिए। तो 15,000 करोड़ का एक पैकेज को पूरी तरीके से घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए कल का एक सवाल था जो मैंने आप सभी लोगों से पूछा था कि हु इज़ अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ नैसकॉम। तो दोस्तों नैसकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रवीण राव को नियुक्त किया गया है नैसकॉम के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष के रूप में, जो कि इन्फोसिस के एक पूर्व कर्मचारी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों DST फंडेड विच कंपनी टू स्केल अप डिवाइस टू एनरिच ऑक्सीजन सप्लाई इन एयर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। यानी दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए हवा में ऑक्सीजन की आपूर्ति को समृद्ध करने के लिए DST ने किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको सही जवाब बताना है और दोस्तों इसका सही जवाब हम बताएंगे आपको कल के हमारे इस वीडियो में।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आज आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आज के करंट अफेयर्स का, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए दोस्तों हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।